अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जे भाई डॉन, बताएंगे आपको पाकिस्तान जीनियस सिलेक्शन यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, ताकि आप इंजॉय कर सकें, हर सब कराते रहा करें और फूलों की तरह महकते रहें, सारों की तरह चमकते दमकते रहे, सूरज की तरह रोशनी बखेरते रहे, हमारी वीडियो को शेयर करके। हाँ जी, हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर करके। अच्छा, तो और शेयर करना आपने लेकर आ रहे हैं, आप शेयर करेंगे आपको पैसे मिलेंगे। और आपने शेयर करना है व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम पे। हर जगह पे आपने शेयर कर देना, शेयर, और नीचे खास कर लिखना शेयर आया, शेयर आया। अपने दोस्तों को लिखना की ये है हमारे तीनों भाई जो हमें हंसाते हैं, खुशक रखते हैं, खुश रखते हैं आपस में एक दूसरे से फाइट करके, एक दूसरे को जूते मार के खुश रखते हैं। तो मेरे साथ बैठे हुए हाफिज भाई, मैं आपका भाई जय भाई डॉन, और ये है आपके होस्ट, आपके दोस्त भट्टी भाई जान। और आज हम जिस वीडियो में बात करेंगे उसके मतलब बताएंगे हाफिज भाई जी। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। आज हम देखेंगे सेकेंड हैंड कार्स। तो जो मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपए में। की तरह दिमाग खड़ी ओही 65,000 वाली। तो चलो आओ वीडियो देखते हैं। थ्रो कर दे साडे मोटर में, मार्च का धमाल चालू है। जिसने ये ऑफर छोड़ा वो पछताने वाला है भैया। तो कस्टमर का पूरा पैसा उसको रिफंड हो जाएगा। अच्छा, 65,000 की दी। मतलब अगर आप कोई गाड़ी परचेस करते हैं, इलीगल पे नहीं है। इसका जो पिकअप रहता है ना, रिकॉर्ड ट्विस्ट, मैं ये गाड़ी पे आपको वैगनार की, तो आपके पास भरमार यहाँ वैगनार, ये वैगनार, वैगनार, फिर एक टी परमिट भी वैगनार आपको दिखा। लाइफ टाइम गारंटी चाहिए। अच्छा, गाड़ियों के ऊपर मैं दूंगा, पर एक कंडीशन है, है ना। हाँ, तो 1,00,000 रुपए में वैगनार, तीन भी दियो तो ले जाना। 3,00,000 में होंडा सिटी दे दोगे पक्का? मारुति से 1 साल का। अच्छा, पैन इंडिया सर्विस, फ्री सर्विस मारुति से। कारों में इको का बहुत ज्यादा डिमांड आ गई है, क्योंकि अभी। हेलो नमस्ते सभी को। तो मेरा नाम है राहुल द व्हीकल विस्ट के एक और वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फाइनली आ चुका हूँ जीएसएफ मोटर्स में। जैसे कि आप पीछे बोर्ड में आप देख सकते हो, इनका काफी ज्यादा नाम सुना था मैंने कि ये क्वालिटी कार्स पे बेचते हैं। मतलब इनके ऑफिस आफ्टर सेल्स जो रहते हैं ना, ये ज्यादा ध्यान देते हैं आफ्टर सेल्स पे। फैसिलिटीज वगैरह भी काफी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। इनके पास गाड़ी का जो स्टॉक भी है, कम से कम आपको 40 से 50 गाड़ियों का स्टॉक भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं हमेशा कमेंट सेक्शन आपका रेड करता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करता हूँ कि आपकी क्या। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने एसयूवी वगैरह की कलेक्शन भी दिखाई थी, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आज फाइनली मैं जीएसएम मोटर्स आ चुका हूँ, और इनका गूगल रिव्यूज वगैरह भी पढ़ा, काफ़ी बेस्ट है। तो जीएसएम मोटर्स से अभी मैं मिलाने वाला हूँ यहाँ के ऑनर सुरेश भाई से। वो आपको पूरी गाड़ियों की डिटेल बताएंगे, इन क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ जानेंगे। तो आ जाइए सुरेश भाई। तो हमारे सामने आ चुके हैं जीएसएम मोटर्स के ऑनर सुरेश भाई। तो कैसे हो सुरेश भाई आप? बस एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम। और तो आज की जो मतलब देख रहा हूँ मैं, पूरी जो कलेक्शन है पूरी भरपूर मात्रा में, तो इसमें से स्टार्टिंग रेंज कहाँ से रहती है आपके पास? अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अच्छा, और कैसा ना, जैसा स्टॉक आ जाए वो हिसाब से। अभी मेरे पास स्टॉक जो है टाटा नैनो की। अच्छा, और सिर्फ 65,000 से चालू हो रही है 2012 का मॉडल। मतलब आज की जो वीडियो रहेगी ना 65,000 रुपए से स्टार्ट रहेगी, राइट? और अभी फैसिलिटीज के बारे में हम पूरी जानेंगे, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। और सर, ये जो आप लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते हो, तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितना रहेगा अगर कोई अगर लेना चाहे तो? डाउन पेमेंट का कैसा है ना कि इट्स डिपेंड ऑन द कस्टमर्स प्रोफाइल। अच्छा, कि उसका सिबिल रिकॉर्ड कैसा है, उसका बैंकिंग कैसा है, वो क्या करता है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, काफी डिप्लोमेटिक है। अच्छा, और वो उसका क्लेरिफिकेशन कॉल करने के बाद ऑन टेबल बैठने के बाद मैं समझा दूंगा। बट अगर मतलब फिर भी मिनिमम अगर देखा जाए, अगर मतलब किन्हीं का सिविल स्कोर अगर अच्छा है ना, 700 के ऊपर है, और उनका पेपर वगैरह सब ओके, तो फिर भी मिनिमम उसको डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? देखो 25,000 भी है, 50,000 भी है। अच्छा, तो आता ही आता है। अगर आपका सिविल स्कोर बेस्ट है, अगर 25 से 50,000 रुपये आप लेके आओ, गाड़ी लेके जाओ, प्रोवाइड कर हो जाएगा। ये भी है, और उसमें टर्म्स भी है कि उतना लोन कितना बैठेगा। अच्छा, ये भी मतलब जो भी रहेंगे आप इनको कॉल करोगे या फिर विजिट करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाल फिलहाल मेरे पास लोन फैसिलिटी सिर्फ मुंबई कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। अच्छा, बाहर के कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मुंबई के कस्टमर्स के लिए लोन अवेलेबल है सर, करवा के देंगे। तो आइए हम पूरी गाड़ियों की डिटेल जानेंगे, एक एक गाड़ी के पूरी इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर सारी चीज में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहना। और हाँ, जो स्टार्टिंग प्राइस रहेगी सिर्फ और सिर्फ 65,000। कुछ ऑफर भी है फिर बताइए, पहले वीडियो देख लेने दीजिए, क्योंकि पहले ही मजा आ जाए, ओपन खोल दो। तो वही तो हम बोले ना कि वीडियो के बीच में हम बताते हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ऑफर जिसमें पहले मैं थोड़ा एक क्लू देता हूँ, 7 डेज मनी बैक गारंटी रहेगी, बट उस किस चीज में रहेगी वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते फिर सुरेश भाई गाड़ी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी का बताओ डिटेल। हाँ क्यों नहीं, एक्चुअली 2012 की। अच्छा, नैनो है। अच्छा,
और गाड़ी एकदम बढ़िया कंडीशन में है, कुछ काम नहीं है। सीखने वाले लोग के लिए तो एकदम बेस्ट ऑप्शन बेस्ट है, और फैमिली के लिए अगर जैसा चाहिए स्मॉल कार वो भी बेस्ट है। बेस्ट एक्चुअली टाटा नैनो की खास बात है कि स्पेस काफी अच्छा है गाड़ी में। अच्छा, छोटी है उतना ज्यादा स्पेस, वो लोगों को लगता है कि छोटी गाड़ी है बट स्पेस कम, बट स्पेस भी काफी ज्यादा मिल जाता है। अच्छा कुछ 50,000 के अराउंड चली है। क्या डिमांड कर रहे हो इसका? ये जस्ट 65,000 रुपया,2017 325,000 में टी परमिट वैगनर जो कि 2017 का रहने वाला है, और इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये फिक्स प्राइस है। बाकी आपको फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड हो जाएगी वो आफ्टर, अभी हम थोड़े वीडियो के बाद में बताएंगे ना, तो आइए दिखाते हैं नेक्स्ट कार। पाकिस्तान और वेरी सस्ती है, बहुत सस्ती है, अब दो आदमी खाली पेट्रोल है, ये पेट्रोल में खाली पेट्रोल में रहता है, और बेस्ट पार्ट ये सिर्फ 21,000 किलोमीटर चली है, 21,000 किलोमीटर एग्जैक्टली। ओके, क्योंकि ये गाड़ी जिसकी थी वो मर्चेंट नेवी का एम्प्लॉय था। अच्छा अच्छा, और सीनियर सिटीजन में थे, आरसी तो सेकंड ओनर हो गया है क्योंकि कस्टमर में है ना। अच्छा, वो अपने नाम पे से डैड के नाम पे कर दिया क्योंकि वो इंडिया में रहता नहीं था। अच्छा अच्छा, बाकी प्रैक्टिकली घर पे ही चली हुई गाड़ी है और 21,000 चली है। 21,000 तो कुछ उतना मतलब बोलते ना, 21,000 मायने नहीं रखते गाड़ियों, ये सब गाड़ियों के लिए। इसका क्या प्राइस रखे हो आप? ये इसको फाइनल देना है 2,75,000। अच्छा, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, और मैं लास्ट कॉल भी देता हूँ। अच्छा, केड़ा मॉडल है? मोटर में अभी तक 31 मार्च तक का ऑफर चालू है, 31 मार्च से पहले जो 6 जनरेशन चल रही है और 7 जनरेशन है, तो 7 डेज विद इन अ 7 डेज अगर गाड़ी के इंजन और गियर पता करो। अच्छा, तो कस्टमर का पूरा पैसा उसको रिफंड हो जाएगा। अच्छा, विदाउट एनी कैंसिलेशन चार्जेस। मतलब अगर आप कोई गाड़ी परचेस करते हो, 7 दिनों के अंदर अगर इंजन या गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आता है और आप चाहते हो कि हमें रिफंड चाहिए, आप रिफंड प्रोवाइड कर दोगे? यस, तो काफी बेस्ट ऑफर है। अलावा भी एक है वो अगली। चलिए फिर, इसका प्राइस 2011 का 2,75,000। तो आइए फिर दिखाते आपको नेक्स्ट कार। ये 2013 का अच्छा डीजल कंफर्ट लाइन पोलो है जो कि सिग्नेचर कलर में आती है रेड, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। और लड़कों की पहली गर्लफ्रेंड है ये। इसका जो पिकअप रहता है ना, वो जो बोलते हैं ना, एकदम बेस्ट रहता है, और गाड़ी की जो लुकिंग वाइज भी ना काफी ज्यादा अच्छी रहती है। 1.2 लीटर इंजन में। अच्छा, इसका पावर पिकअप और रोड स्टेबिलिटी। और तो बताइए सर इसकी फिर डिटेल पूरी। मेंटेनेंस कॉस्ट का मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, क्वालिटी के हिसाब से हर कोई अपना चार्ज करता है, एज इट शुड बी अ मारुति और फोक्सवैगन, दोनों का अपना अपना रेट रहेगा ही रहेगा। ये 3,75,000 मेरा डिमांड है। अच्छा, ऑन टेबल बैठने के बाद थोड़ा रिस्पेक्ट मान सम्मान हो जाएगा, कर लेंगे भैया। 2013 की जरूर 3,75,000, वो भी नेगोशिएबल हो जाएगा, और सारे जो रहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो ये रहते हैं ना ट्रांसफर चार्जेस वगैरह इंक्लूड रहेंगे या फिर ये अलग से पे करना पड़ेगा? जीएसएम मोटर ट्रांसफर चार्जेस नहीं लेता क्योंकि जीएसएम मोटर बिना ट्रांसफर के गाड़ी देता भी नहीं। क्या बात है, मतलब आपको ट्रांसफर चार्जेस भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो चलते फिर नेक्स्ट कार की, तो बताओ सर नेक्स्ट कार की डिटेल। ये मारुति 2014 की पेट्रोल है। अच्छा, ये फाइनल मुझे 4 लाख में देनी है। अच्छा, बट इसकी ये किलोमीटर की नहीं ड्रिवन रही है, ये 50,000 चली हुई है। अच्छा, और सबसे बेस्ट बात है कि वहाँ मैंने बोला 7 डेज रिफंड, और यहाँ मैं बोलता हूँ इसके अंदर एक और ट्विस्ट है, मैं ये गाड़ी पे आपको 6 महीने की वारंटी भी दे रहा हूँ, इंजन गियर बॉक्स अच्छा 7 डेज रिफंडेबल तो रहेगा ही रहेगा आपको। अच्छा, प्लस 6 महीने की इंजन गियर बॉक्स, मतलब आपके लिए सर ने एक और ऑफर प्रोवाइड कर दिया है। तो इसका जो प्राइस क्या रखे सर आपने? ये प्राइस तो 4 लाख रुपए मेरा फिक्स डिमांड है। अच्छा, पर थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा बैठने के बाद मैं जरूर कर दूंगा, पर इसमें 6 महीने की वारंटी है। एक और ट्विस्ट है, आगे खोलता हूँ। आ जाइए फिर। तो वैगनर सर, वैगनर की डिटेल, वैगनर की तो आपके पास भरमार, यहाँ वैगनर है, वैगनर वैगनर, फिर एक टी परमिट भी वैगनर आपको दिखाया था, ये वैगनर की डिटेल बताइए। सर और थे सब बिक गए मेरे प्यार मोहम्मद, तो अभी ये भी चले जाएंगे, बट आप बस बेस्ट प्राइस दीजिए हमारे ऑडियंस को, बताइए फिर इसकी डिटेल। 2016 की सिंगल ओनर गाड़ी है। ओके, और सबसे बेस्ट पार्ट है ये गाड़ी को चलाने वाला कैटलिक है। अच्छा, कैटलिक की आपकी चली हुई गाड़ी है, बच्चों से ज्यादा मेंटेन उसने गाड़ी को रखा, मतलब गाड़ी को वेल मेंटेन रखते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से। और वैगनर तो वैसे भी मार्केट का हॉट केक है अभी, बराबर और प्रोडक्ट ही है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ऊपर से कंपनी फिटेड सीएनजी है। अच्छा, स्पेशियस, काफी स्पेशियस गाड़ी है। तो क्या डिमांड रखे हो सर आप? इसका मेरा डिमांड है 3,90,000 का है। अच्छा, थोड़ा बहुत मान सम्मान ऑन टेबल। ईयर क्या बताया आपने? 2016। अच्छा, 2016 का वैगनार 3,90,000 रुपए, और उसमें भी थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा। जो कि आओगे तो व्हीकल बिस्ट का वीडियोस देख के आए, बोलोगे सर को तो कर देंगे, है ना सर? वैगनार की डिटेल जा, व्हाइट कलर सबसे ज्यादा प्रिफर्ड, सबसे ज्यादा प्रिफर होने वाली व्हाइट कलर वैगनार में व्हाइट कलर बोले तो अरे वाह, वो खाने के ऊपर वो धनिया पत्ता पड़ जाता है ना, तो वैसा वाला जो टेस्ट आता है। हाँ बराबर, तो बताइए फिर इसकी डिटेल सर। 2017 की सिंगल ओन कंपनी फिटेड सीएनजी। ओके, एकदम फाइनल रेट में आपको। यार वैगनार का न्यू का क्या रेट अब चल रहा है? 4,00,000 रुपए 2017 का वैगनार। एक और ट्विस्ट, अगर आपको लाइफ टाइम गारंटी चाहिए। अच्छा, गाड़ियों के ऊपर मैं दूंगा, पर एक कंडीशन है, आपकी गाड़ी की सर्विसिंग मेरे वर्कशॉप में करो। अच्छा, मैं आपको लाइफ टाइम आपकी गाड़ी का ख्याल करने की जिम्मेदारी में। कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है डिस्प्ले पे, फटाफट से कॉल करो। एक और वैगनार है, बताते इसकी डिटेल। ये तो 2007 की है। अच्छा, 2007 का है। हाँ, ये सिर्फ लर्नर्स के लिए है। अच्छा, फैमिली वाले भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं ज्यादातर प्रेफर लर्नर्स करते हैं कि हाथ साफ करने के लिए, किसी को पार्किंग ब्लॉक करना है। 1,00,000 रुपए चाहिए बस, 1,00,000 रुपए दे तो ले जाओ भैया, गाड़ी मेंटेन है। अच्छा, और ये जितने ऑफर्स है, हाँ, तो भले ही मेरे पास 65,000 की गाड़ी हो या 65,00,000 की, सबका ऑफर सेम ही। सब में मतलब वो लागू है, ऑफर है ना, कोई भी गाड़ी हो, मतलब इसका 1,00,000 रुपए दो, गाड़ी इसमें थोड़ा हो गया मान सम्मान, ये फिक्स रहेगा। ये जो भी रहेगा, मतलब लिटिल बिट थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, है ना? तो 1,00,000 रुपए में वैगनार 2010 सिंगल, और 10 सालों में सिर्फ 70,000 चली हुई गाड़ी। 70,000 मतलब 70,000 सर्विस रिकॉर्ड के साथ, कंपनी रिकॉर्ड के साथ चली हुई गाड़ी, एकदम वेल मेंटेन गाड़ी है। ओके, सिर्फ आपको लेना है मेरे से और चलाना है। मतलब यहाँ से लेके कोई मगजमारी, कोई दिक्कत, ये सब पेपर की मगजमारी मैं कर रहा हूँ, पैसे की मगजमारी कस्टमर को करना पड़ेगा। थोड़ा सा कर लो यार। तो बताओ फिर इसकी डिटेल बताइए फिर। बाकी इसमें जो फीचर्स वगैरह बताओ सर फाइनल इसका फिर। 3,25,000 का डिमांड है। अच्छा, थोड़ा बहुत मान सम्मान 3 वीडियो तो ले जाना। 3,00,000 में होंडा सिटी दे दोगे पक्का? नहीं, 2010 3,00,000 में होंडा सिटी आई है। इन्होंने 12,16,00,000 की ऑफर ही मिल रहे हैं। फिर एक होंडा सिटी, ये भी गोल्ड कलर, ये भी गोल्ड कलर, ये 11 की है। अच्छा, ये 11 का है, ये 11 की है, ये भी चली सेम रेंज में है। अच्छा, और इसका 375 मेरा डिमांड है, थोड़ा बहुत मान सम्मान टेबल पे बैठने को हो जाएगा ना। ये मान सम्मान 375,000 2011 का होंडा सिटी, ये भी मैनुअल है ना? मैनुअल। ये आईवीटेक इंजन है ना? आईवीटेक। ओके, तो चलते फिर आपको मैं अब दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना था, स्विफ्ट की भी भरमार लगी रहती है, फिर एक स्विफ्ट आ चुकी है, ये 2013 की स्विफ्ट है। अच्छा, सिर्फ 50,000 चली हुई गाड़ी है। ओनली 50,000, सिर्फ 50,000, और एक लेडी के हाथ की चली हुई है। अच्छा, और लेडी भी गवर्नमेंट सर्वेंट थी। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा, खाली इतना बता देता हूँ पुलिस में थी। अच्छा, मतलब वो लेडी ड्रिवन कार है, मतलब वेल मेंटेन ही होगी, बताइए फिर इसकी। लेडी लोग जैसा घर को संभालते थे, गाड़ी को संभालते, गाड़ी का ड्राइविंग उनकी थोड़ी कॉन्शियस होती है, पर आई रिस्पेक्ट, मेरी बहने, मेरी माता है, बराबर, तो बताओ कॉन्शियस होना भी चाहिए थोड़ा, क्योंकि वही तो घर संभालती है, गाड़ी भी संभालती है, तो वो गाड़ी पर मेंटेन है, सिर्फ लेके चलाना है। अच्छा, को ये गाड़ी का मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं 3,75,000 नहीं मांग रहा हूँ, प्लीज कर लो, गाड़ी का चांस बहुत अच्छा है। 3,75,000 में 2013 का। अच्छा, सिंगल ओनर VXI, वैसे रेट थोड़ी पूरी ओरिजिनल ब्रांड में गाड़ी है, ये सब मोटर में अगर रिपेयर गाड़ी है तो रिपेयर नहीं, 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 पर आप भी बड़े अग्रेसिव हो रहे थे मेरे साथ, अगर आप पक्सर कंपैरिजन कर रहे हैं, आप रिपोर्ट नहीं है। तो ये वीडियो होगी खत्म। तो जी व्यूअर्स, आपने हमें बताना है कि हमें तो ये वीडियो पहले जगह भाई रेट बड़ी अच्छी लगी, आपने बताना है कि ये रेट्स किस तरह के थे, क्योंकि हम इस वक्त इंडिया में मौजूद नहीं है, हमने अपनी पुरानी वीडियोस के साथ कंपेयर किया था, अब के रेट्स का हमें पता नहीं है, सिचुएशन क्या चल रही है, क्या वैल्यू है गाड़ियों की, अब आपने हमें बताना है। लेकिन जे भाई स्टार्ट में थोड़ा सा अग्रेसिव हुए मेरे साथ, तो लेकिन बाद में जे भाई ने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि नहीं भी इनको थोड़े से रेट ज्यादा। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जो वैगनार है उसका आपके यहाँ न्यू क्या रेट है?
जी अब क्या रेट उसका? पहले भाई आप तो कह रहे थे 1,29,00,000 में 29 वैगन ले जाओ, तो वो चार भाई इन्होंने कहा था, मैं इन्होंने कहा था 10,00,000 ले आओ और 10 वैगनार ले जाओ आप, इन्होंने कहा था पूछ ले। और जो टाटा नैनो की 2012 में प्राइस क्या थी? लाख रुपया थी यार, दस देते पैसे तो भाई, फिर भी भाई वो 65,000 भाग गया। तो फिर भी नॉन नेगोशिएबल भाई, हुण तो ये फिक्स प्राइस जड़ी हो तुम्हारे डॉक्टर साहब कितने नहीं बेचते वैसे गड्डी मेहरान है जड़ी तू बारो मार्शल कोई भाई ये पाकिस्तान की बात कर ही नहीं रहे। पाकिस्तान में तो चीजें जो है ना, आपने जो चीज 1 रुपए की ले ली है ना आज, वो अगले साल या अगले उससे 2 सालों में वो आपको 10 रुपए या 8 रुपए की यार 10 मॉडल 11 मॉडल 3 लाख 3,70,000। तो जे जे भाई ने अब रिसेंटली अपनी कार अपग्रेड की है, उन्होंने होंडा सिटी 2012 मॉडल 16,00,000 रुपए की सेल की। क्या बात है यार, ताडे भी लाओ दे 8,00,000 बन गया। अब जो होंडा रीबर्थ जो है 2013 मॉडल 23 तो उसकी आपकी क्या प्राइस होगी जे जे भाई ने? यार अभी हमने वो पिछली वीडियो में देखी थी होंडा रिबॉन 10 मॉडल 2,25,000 मांग, 1,75,000 भाई। एक सरदार जी की हमने 1,75,000 क्या है, एक हमने सरदार जी की वीडियो पे रिएक्शन दिया था, वो तो 2.25-2 लाख रुपए की सिटी दे रहा था, क्या कमाल 2016-17-18 मॉडल 2,25,2 लाख या तो इंडिया में कार की प्राइस जो है वो अप हो गई है या फिर ये महंगी दे रहा है, क्योंकि पहले जे जे भाई प्राइस देख के परेशान होते थे, आज हाई देख के परेशान हो गए। नहीं जे जे भाई ये देख रहे थे क्योंकि वहाँ लग्जरी कार्स काफी सस्ती थी, 6-7 लाख रुपए में जड़ी लग्जरी कार ऐसी देखी है ना दो जितने पर एक्शन इतना सी कि जड़ी यो मैं कितना यार वाकी कार ऐसी एक मर्सिडीज सी ते को दूसरी क्लास और दूसरी थी। अच्छा जी आपके जो ये हमने स्विफ्ट देखी है 3-4 मॉडल देखे हैं आपने, अब जो आपकी लेटेस्ट जनरेशन चल रही है वो मेरा ख्याल 6 या 7 स्विफ्ट में चल रही है। हमारे तो जी एक दफा वो पुरानी आई थी स्विफ्ट, उसके बाद नई आई नहीं, बस वो ही चल रही है 22 लाख की अब तक। अब आप देखें जी जे जे भाई को कितना प्रॉफिट हुआ, 3 लाख रुपए का जे जे भाई को 2 साल में प्रॉफिट हुआ, 4 लाख 12 लाख की ली, 12 लाख 60,000-70,000 की ली थी इन्होंने। हाँ तो अभी 16 की बेच दी, देख लो 3-4 लाख कमा ली है, 4 लाख चौल ऐसे नहीं इनकी इतनी संपत्ति होगी। नहीं जी ये 6.5 करोड़ का मालिक है अभी तो। आप जे जे भाई के साथ इन्वेस्ट करना चाहे पाकिस्तान में गाड़ियों का बिजनेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं जे जे पाकिस्तान जे ओ पागल जे जे भाई उन्होंने सारा शो इनके को सारा शोरूम होना वा करोड़ का भाई, इनके करोड़ दी धोखड़ी आ रही है भाई। जो छोटा मोटर्स छोटा मोटर्स ने अपना गुजरांवाला में जो शोरूम बनाया है ना, उन्होंने छोटा रिवो जो है ना दीवार के साथ लटकाई है डेकोरेशन के लिए। आपको पता है वो यहाँ कितने की है गाड़ी है? तकरीबन 1 करोड़ के लगभग। मैं की गल करन दिया, उन्होंने डिस्प्ले में गाड़ी लटका दी है दीवार के साथ। तू गल करन दिया कि ओ आन इथे मेना शोरूम है मसल के इन्वेस्टमेंट करके गलत है सोण भाई प्रॉफिट करना ओ प्रॉपर है कमला ओए ओ खुशकिस्मत लोग ने नांदे पे गड्डियां से नहाया साबुन के साथ जाता है, शैम्पू के साथ जाता है, पानी के साथ जाता है, सेंस के साथ नहाया जाता है, गाड़ियों के साथ कोई बंदा नहीं रहता, बंदा छिलिया जाता है। अच्छा जी अब बात आ गई जे जे भाई ने नहाने की बात की है, जे जे भाई आज हमें बताएंगे कि जे जे भाई से इतनी मुश्क आती है खुशबू आती है, जे जे भाई आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं और वो कितने दिन चलता है? लक्स खुशबू। अच्छा अब जे जे भाई आप इन्हें ठंडी सी एक सांस दे। नहीं वो इस वक्त मैंने कोलगेट की पेस्ट नहीं की। अच्छा जी पहले आज से जरा सा लक्स पहले आज से जरा सा लात लात मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।